कर लें अपनी पैकिंग और जाएं अपने घर। लेकिन कल अपने बच्चे के सामने मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि मेरी वजह से वो बाप दादा दादी के प्यार से महरूम रह गया। ज़र्तशा, रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो चलो। चुप हो जाओ सबा बेगम, और ये आंसू संभाल कर रखो। हमारी बेटी जिस रविश पे चल रही है, उस रस्ते में हमारे लिए रोना ही रोना लिखा। ये दिन देखने से पहले मैं जिंदा नहीं रहना चाहती शाह साहब। जिंदा रहने की सजा तो हमें भुगतनी है, बेटी के वालदैन होने का जुर्म किया है हमने। बाबूजान, जुर्म जिस बेटी ने किया है, सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। आप उसे इस घर में नहीं देख सकते, और मैं उसे गलियों बाजारों में धक्के खाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए बेहतर है घर की इस नाफरमान इज्जत को घर में ही दफन कर दिया जाए। नहीं ज़हीर, नहीं बेटा, खुदा का वास्ता, ये जुर्म है, गुनाह है। रमजान, जुर्म और गुनाह रोकने के लिए उसे मार देना भी कोई जुर्म नहीं है। हाँ साहब जी, ज़र्तशा बीबी और सना बीबी अपने कमरे में नहीं है। लेकिन सना तो कमरे में थी। नहीं साहब जी, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, दोनों कहीं भी नहीं है। मैं देखती हूँ। सना, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे, लिहाजा तुम्हें जो फैसला करना है तुम करो, लेकिन प्लीज मुझे दरमियान में मत रखो। ज़र्तशा, मैं घर पे जाने के लिए जिस तरफ जाती हूँ, दरमियान में तुम आ जाती हो। हम दोनों को या तो अपने अपने ससुराल में रहना होगा, या फिर अपने अपने महके में। मैंने तैमूर के साथ रह के देख लिया है, मैं क्या करूं? मैं उस बेवफा को नहीं भूल पाई, मेरे साथ तो बेवफाई हो गई है। मैं नहीं चाहती कि तैमूर के साथ भी बेवफाई हो। तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं सबसे कटकर अलग रहना चाहती हूं और अलग ही मर जाना चाहती हूं। अगर खुद को इतना बेमकसद समझती हो तो घर वालों की बात क्यों नहीं मान लेती? ज़र्तशा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम वापस अपने घर चली गई तो मैं भूल जाऊंगी कि कभी तुम्हारा किसी से कोई ताल्लुक भी था। तुम तो भूल जाओगी, लेकिन क्या मैं भूल पाऊंगी? सुबह शाम खुद को, अपने शौहर को और अपनी सास को मैं धोखा नहीं दे सकती। मैं चाहूं भी तो मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। सना, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत किसी और के नाम कर चुकी हूँ, अब मेरे पास किसी और को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ ज़र्तशा, अगर सुहेल अब भी तुम्हारी जिंदगी में होता तो ये बात मैं तुमसे कभी ना करती। क्या बात? हो सकता है कि तैमूर की मोहब्बत एक मरहम का काम करे और तुम्हारे जख्म भर जाए। एक बार फिर उस घर में चली जाओ वापस, उसे एक मौका दो। कितने दिन तक? जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। और अगर इस दौरान ऐसा कुछ ना हो जो तुम चाहती हो, फिर? तो फिर हम दोनों को उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, लेकिन तब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। जो होगा किस्मत का लिखा समझ के कबूल करना होगा।
शहीद। हेलो। हाँ बेटा, कुछ पता चला? नहीं, घर पे तो नहीं आई। बेटा तुम ऐसा करो, कहीं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखो बेटा। अच्छा ठीक है, अल्लाह का वास्ता फोन अपने पास रखना, और जैसे ही पता चले मुझे फौरन फोन करना। ओके। या अल्लाह, मेरी बच्चियों की हिफाजत करना मालिक। मैं देखती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है? ये तो आपको अम्मी जान ही बताएंगी। जी हाँ, मैं बताती हूँ। इस घर में एक नन्ही सी खुशी आने वाली है। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। चलें, बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। हाँ, आज आइए। मैं अभी आती हूँ, ज़रा पता कर लूँ शाह साहब और ज़हीर का, कहीं काम से निकले हुए हैं। तैमूर कैसा है? ठीक है। आप उसे भी साथ ले आती? कमाल है, खुद ही तो कहते हैं अकेले आ जाइएगा। मुझसे गलती हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि दुल्हन दुल्हा के साथ जाती तो अच्छा था। अच्छा ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ, तैमूर को भेज देती हूँ, वो आके जरतशा को ले जाएगा। नहीं आपी, अब आप आ गई हैं तो अपनी बहू को साथ लेकर जाइएगा। ठीक है, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आओ मेरे साथ ज़रा। जी। कहाँ गए ये लोग? वो सना के साथ ऊपर गई हैं। अच्छा। ये बताओ, तुमने मुझे सिर्फ इसी खुशखबरी के लिए बुलाया था? जी। लेकिन उस वक्त तुम्हारा लहजा खुशखबरी वाला नहीं लग रहा था। आप भी जरतशाह के अपने घर वालों के साथ कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो मिसबिहेव कर रही थी। कैसे इश्यूज? मैं आपको नहीं बता सकती। सना, मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे बताने में क्या हर्ज है? वो बात मुझसे इस घर का फर्ज समझ के डिस्कस की गई है, प्लीज मुझसे ना पूछें। तुमने तो मुझे कश्मकश में डाल दिया है। आप ही, जरतशाह आपके साथ जाने के लिए तैयार है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके रवैये में तब्दीली आएगी। और आप पे और तैमूर पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको इतना खुश रखेंगे कि वो अपना माजी भुला देगी और अपना हाल और अपना फ्यूचर आप लोगों के साथ वाबस्ता कर लेगी। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैंने बहुत मुश्किल सिचुएशन हैंडल की है आप ही, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करें और तमाम वसवसे अपने दिल से निकाल दें, प्लीज़। अच्छा, मैं तैमूर को फ़ोन करके बता देती हूँ। हेलो तैमूर।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मैं आपकी कॉल का ही वेट कर रहा था। तैमूर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सना माँ बनने वाली है। अच्छा, मेरी तरफ से भी साला को मुबारकबाद है। अल्लाह हाफिज़। सरदशाह बेटा, बाबा आए हैं तुमसे मिलने, थक कर सो गए हैं, ऐसे लगता है बरसों से सो नहीं पाए। अल्लाह करे जब ये जागे तो इसके अंदर के सारे अंधेरे खत्म हो चुके हो। आमीन। कहाँ थी, कहाँ है दोनों? मैंने पूछा नहीं। पूछना तो था। जैसे ही ये दोनों आई तो साथ ही नादिया भी आ गई थी, बात करने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ है नादिया? ऊपर है सना के साथ, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, बस आपको मैंने फोन करके फौरन बुला लिया। ऐसा ना सको। एक मिनट, अभी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, इन दोनों के जाने से पहले जरदशाह हम लोगों से बहुत दूर थी, अब देखो तुम्हारी माँ के गले का हार बनी हुई है। फिर भी बाबूजान, हम लोगों की जो टेंशन हुई है वो खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने हमें मजीद टेंशन से बचा लिया। सो जाओ बेटा। नहीं बाबूजान, वो मुझे पैकिंग करनी है। पैकिंग क्यों? कल मैं कराची जाऊंगी इसलिए। ठीक है बेटा, शाबाश। अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। ठीक। खाने के लिए मैं जेबो को भेजूंगी, आ जाना नीचे। ठीक है। बेटा, इन दोनों के जाने से पहले जरदशाह हम लोगों से बहुत दूर थी, अब देखो तुम्हारी माँ के गले का हार बनी हुई है, खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने हमें मजीद टेंशन से बचा लिया। खाना लग गया है? आ जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी काम बहुत ज़्यादा है। मैं हेल्प कराऊं? इतना सारा सामान लेकर जा रही हो? हाँ, मैंने सोच लिया है, चाहे जितना भी दम घुट जाए मेरा वहाँ पे, मर के भी यहाँ नहीं आऊँगी सांस लेने। मैं तुम्हें ज़्यादा अरसा इम्तिहान में नहीं डालूंगी। अगर मेरे बेबी के आने तक तुम उस घर में सेटिस्फाई ना हुई, तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा फिर। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं आपकी बात क्यों मान रही हूँ, लेकिन मान रही हूँ। थैंक यू सो मच। लो, मैं कर देती हूँ। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कब तक घर पहुंच गए? बस हम पहुंच रहे हैं। अच्छा खैर, ये बताओ क्या कर रहे हो? बस मैं ऑफिस के लिए तैयार होने वाला था। अच्छा ठीक है, हमारा वेट करो, हम पहुंच रहे हैं। जी जी, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, फिर तैयार हो जाऊंगा, आ जाए। अच्छा सुनो तो, हेलो हेलो, उसने फोन बंद कर दिया, मैं तुम्हारी बात करवाने ही वाली थी उससे। इट्स ओके, मैं घर जाके बात करूं। सना बेटा, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। जरताशाह अपने ससुराल जा चुकी है, कल तक ये सब नामुमकिन था और आज मुमकिन हो चुका है। इस सब के लिए हम तुम्हारे बहुत मशकूर हैं। ऐसा तो मत कहें बाबा जान, मैंने तो बस कोशिश की थी और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कोशिश रंग ले है। लेकिन कल जो मैं आप लोगों से पूछे बिना जरताशाह के साथ बाहर चली गई थी, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। लेकिन ये ज़रूरी था ताकि जरताशाह को एहसास हो कि मैं उसके साथ हूँ, और शायद उसका मुझ पर यह एतमाद करना ही हमारे काम आ गया। सच्ची बात तो यह है कि मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हो। बेटा एक बात याद रखना, जिस काम को करते हुए तुम्हारा ज़मीर मुतमईन हो, उस काम को करते हुए डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो लगता है मुझसे अभी भी नाराज हैं। क्यों ज़हीर, क्यों नाराज हो तुम सना से? नहीं बाबा जान, ऐसी तो कोई बात नहीं बोली मैंने। यही तो नाराजगी है कि इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, कम से कम थोड़ा सा डांट ही लेते। खबरदार ज़हीर, अगर तुमने मेरी बेटी को इतना सा भी डांटा तो। कमाल है बाबा जान, सुन रहे हैं आप? ये कह रही है कि मुझे डांटना चाहिए था, और ये कह रही है कि इसे नहीं डांटना है। अब किसकी बात सुनूं मैं? तुम यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने बेवफाई की तो मुझे मजबूरन शहर छोड़ना पड़ गया। झूठ। तुम बाहर क्यों खड़े हुए वेट कर रहे थे हमारा? बस मैंने कहा ये घर आप दोनों को हैंडओवर करूं और फिर चेंज करने जाओ ऑफिस के लिए। भाई अब जिसकी बारी है घर तो तुम उसे हैंडओवर करो। लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी नहीं आती। कोई बात नहीं, ठीक जाएंगी आप। अच्छा मैं ऐसे करती हूँ कि लाहौर वालों को फोन करके बता दूँ कि हम लोग पहुँच गए, ठीक है? ठीक है। बैठे उस दिन के लिए आई एम सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं, इंतजार खत्म हो गया। मैं उस दिन की बात कर रही थी। मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से आई हूँ, खुद से लड़कर। हो सकता है और करीब आने तक आपको और इंतजार करना पड़े। मैं सोचकर इंतजार करता रहूंगा कि पानी का कतरा कतरा गिरने से अगर पत्थर में छेद हो सकता है तो मेरी मोहब्बत एक ना एक दिन आपको मेरे करीब जरूर ले आएगी। आज आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है लेकिन अगर नहीं, आप जाके चेंज करें, मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है,
तैमूर बहुत खुश है। उसकी खुशी को देखते हुए मैं जरतशा की सारी पिछली कोताहियों को भूल गई हूँ। बस अब तो दिल चाहता है कि अल्लाह जल्दी से उसकी गोद हरी कर दे और मेरे घर में भी किसी बच्चे की कलकारियाँ गूंजने लगें। हाँ, नजमा बहन को मेरा बहुत बहुत सलाम कहना। अच्छा, खुदा हाफिज़। Come in, Shahzain. Hello, Taimur. How are you? I'm well. तुम बताओ, नई ताजी? एक नई ताजी थोड़ी है, लेकिन it's a bad news. क्या हुआ? खैरियत? यार, जब से फरीदुल्ला साहब ने employees का interview करना start किया है, तो एक negativity सी फैल गई company में, और employees को लग रहा है कि शायद हम company में downsizing start करने लगे हैं। हमारा कोई ऐसा इरादा तो नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन इस नेगेटिविटी की वजह से एम्प्लॉयज़ के माइंड में ये बात है। लेकिन तैमूर, इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि अगर हमने एचआर के कहने पे किसी को निकाल दिया कंपनी से, तो हमें मुश्तरका मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है शाहज़ैन, मगर तुम खुद ही सोचो कि घर बैठे मुलाजमीन को तनख्वाह तो नहीं दे सकता मैं, उसके बावजूद अगर वो कुछ करते हैं तो फिर व्हाट कैन आई डू? बट व्हाट आई सजेस्ट कि कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमें एम्प्लॉयज़ के साथ एक डिस्कशन कर लेनी चाहिए, सो दैट अगर कोई एक्शन हम लें भी तो हमें कोई नेगेटिव रिएक्शन का सामना ना करना पड़े। सही कह रहे हो तुम, आई एग्री। मैं फरीद साहब से बात करता हूँ, देन आई लेट यू नो। ओके, थैंक यू। इट्स ओके, आई विल सी यू अराउंड देन। जी बेगम साहिबा। आपकी तबीयत ठीक तो है? सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थी। बस ऐसे सर में दर्द है, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अभी ठीक हो जाएगा। तुम बताओ, सब खैरियत है ना? जी, वो मुझे बाहर शॉपिंग के लिए जाना था। बाज़ार कौन सा दूर है? खुद चली जाओ या तैमूर को कॉल कर दो? मैंने उन्हें बता दिया है, गाड़ी भेज दी उन्होंने। फिर क्या प्रॉब्लम है? वो मैं सोच रही थी आप मेरे साथ चलें, अकेली जाऊंगी तो शायद आपको अच्छा ना लगे। जरतशा, तुम बहू हो इस घर की, अच्छे बुरे की तमीज़ रखती हो, फिर मुझे बुरा लगने की क्या ज़रूरत है भला? तुम जाओ, अगर तुम्हें देर हो जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। जी। तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने बेवफाई की तो मुझे मजबूरन शहर छोड़ना पड़ गया। झूठ। ये क्यों नहीं कहते कि बेवफाई तुमने की और भागकर आना पड़ा? भागते वो हैं जो चोर होते, जिन्होंने कुछ लूटा होता। अच्छा, और कुछ लूटना बाकी है अब? मुझे तो लगता है कि मेरी तरह किसी और को भी लूटा तुमने। मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह तमाशा नहीं बनाना चाहती। तमाशा बनाना भी मत, बना मेरा नहीं तुम्हारा तमाशा बनेगा यहाँ पर, और आइंदा मुझे नजर भी मत आना। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सोबिया सब कुछ बता चुकी है, इसलिए आइंदा तुम सामने मत आना। Thank you.
मकार, धोखेबाज, झूठा, उल्टा शर्मिंदा होने के बजाय मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। सरतशा, किससे बातें कर रही हो? वो कुछ नहीं, पार्किंग लॉट में एक बदतमीज मिल गया था, उसको बात करने की तमीज ही नहीं थी। अरे ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाया करो। अच्छा बताओ क्या खरीद के लाई हो? वो कुछ नहीं, मेरा मूड खराब हो गया तो मैं घर आ गई। तुमने कुछ भी नहीं खरीदा? अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ बाजार चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस अब कुछ नहीं लेना, मेरा सर चकरा रहा है। अरे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? जी अजीब सा जी घबरा रहा है मेरा। चलो मेरे साथ चलो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता ऐसी हालत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो उठो शाबाश। किन उठो शाबाश, चलो बैग पकड़ो अपना, आ जाओ। मैं कहाँ थी तुम? मैं नीचे थी, अम्मी जान को मेडिसिन दे रही थी। इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बस वो कुछ काम के सिलसिले में कराची जाना पड़ रहा है 4-5 दिन के लिए। सच? आपने पहले नहीं बताया आप कराची जा रहे हैं? पहले कुछ पता ही नहीं था, अभी कंफर्म हुआ है। कब जा रहे हैं आप? आज या कल। क्या ये हो सकता है कि मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन फिर मुझे भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। हाँ तो? मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे। ज़हीर, क्यों नहीं जाना चाहते आप? आप या तैमूर से नाराज़ की है कोई? आप ही की बात नहीं है, मैं ज़रतशाह की वजह से नहीं जाना चाहता। क्या मसला है उससे? उसने हमारी बात मान तो ली है। देखो तुमने कराची जाना है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे वहाँ जाने के लिए फोर्स ना करना। ठीक है, फिर आप खुद ही चले जाएं, मैं नहीं जाऊँगी। क्या हुआ ज़रतशाह को? दुआ करो, ज़रतशाह को चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं, लेकिन क्यों? भाई इसका जवाब तो डॉक्टर ही देगी ना, कि उसे चक्कर क्यों आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। हाँ मैं जरा ज़रतशाह को लेके डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ ज़रतशाह को? दुआ करो, ज़रतशाह को चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं, लेकिन क्यों? भाई इसका जवाब तो डॉक्टर ही देगी ना, कि उसे चक्कर क्यों आ रहे हैं। आप कौन से हॉस्पिटल जा रही हैं? मैं अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं तुम फिक्र नहीं करो, बस दुआ करो और जब घर आओ तो मिठाई लेकर आना। क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें मैं आकर ही बताऊंगी, बस तुम दुआ करो। अल्लाह हाफिज। इसमें इतनी नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। बात है ना सही, आप ही को जब पता चलेगा कि हम कराची आए और उनसे नहीं मिले तो वो क्या सोचेंगी? मुझसे तो सवाल करेंगी ना, मैं क्या जवाब दूंगी? कोई भी बहाना कर देना। नहीं मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से जाना, आप ही जाएं। ज़हीर साहब, आप दोनों को शाह साहब बुलाएं। क्यों? पता नहीं जी। आप रुके मैं देख कर आती हूँ। चलो आओ। हाँ हमारा अपॉइंटमेंट था ना, चेक कर लीजिए। सही, आप जाएं, मैं एक बस एक कॉल करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं अंदर हूँ।
जरतुशा ये सब क्या है? मुझे क्या पता, मैं नमी जान से कहा मुझे चक्कर आ रहे हो, पता नहीं क्या समझ बैठी हैं, कब से मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रही हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसी बात की तो टेंशन है मुझे, पता नहीं डॉक्टर क्या बताती हैं। अच्छा तुम एक काम करो, ओके अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर जुबैदा, मैं तैमूर बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी डॉक्टर साहबा, ऐसी तो कोई बात नहीं जो आप समझ रही हैं, मगर इसे तो चक्कर आ रहे हैं। जरूरी नहीं है चक्कर आना प्रेगनेंसी की अलामत हो, और भी कोई वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है चक्कर आने की? कोई हार्ड वर्किंग या कोई टेंशन? हार्ड वर्किंग हो सकती है, टेंशन तो इसे कोई नहीं है, क्यों जरतेशा? ये तो आप बेहतर समझ सकती हैं, बिकॉज ये आपकी बहू है। ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बस अल्लाह से दुआ है कि इसकी गोद जल्द से जल्द हरी हो जाए। तो आप अपने बेटे से कहें ना अपनी मिसेज का पूरा ख्याल रखे। मेरा बेटा तो इसका बहुत ख्याल रखता है, अब मैं कह दूंगी तो और ज़्यादा ख्याल रखेगा। चलिए मैं आपको कुछ दवाएँ लिख के दे रही हूँ, वो आप दीजिएगा इनको। शुक्रिया। चलिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया कोऑपरेशन के लिए। सबा बेगम, आपने इस खेल की पिछली किस्त देखी थी? जी रिपीट में देखी थी मैंने। अच्छा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm sorry, मुझे कुछ देर हो गई। सुना है जनाब कराची तशरीफ ले जा रहे हैं? जी बाप जान, कुछ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। हाँ हाँ ज़रूर जाओ। तुम कराची में तैमूर वगैरह से नहीं मिलोगे? हम तुमसे बात कर रहे हैं, हमें देखो। ये बात आपसे सना ने कही है? हाँ सना बता रही है कि तुम कारोबारी मसरूफियत की वजह से अपनी बहन से भी नहीं मिलोगी। बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, जरतशा भी खुश हो जाएगी। अगर अम्मी जान, बेटा जा रहे हो तो वो बहाने से मिलाना, इसमें लेकिन वेकिन क्या? जी कोशिश करूँगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम था। मैं पैकिंग कर लूँ? नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, मेरा टूर कैंसिल भी हो सकता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जरतशा कब की अपने घर जा चुकी है, लेकिन इस लड़के का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, उसकी नाराजगी में भी मोहब्बत है। देखना कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद बहन से मिलकर आएगा। आप देख लीजिएगा शाहजाद, ये वहां नहीं जाएगा। तुम ऐसा कैसा कह सकती? बाबा जान मुझे लगता है कि अम्मी जान सही कह रही हैं, मुझे भी नहीं लगता कि जहीर जाएंगे। और जब उन लोगों को पता चलेगा कि जहीर उनसे मिले बगैर चले गए तो वो लोग क्या सोचेंगे? ये बात भी है। बहरहाल बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं जहीर को समझाऊंगा।